ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका आर इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, आर इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा का ग्राफ, ठीक है। ये सच इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चारों एक ही जैसे हैं, तो किसी एक पार्ट का निकाल देते हैं, ये इस पार्ट का निकाल लो, बाकी तो निकालना मेरे को चारों को है। मैं एक पार्ट का निकाल के फोर टाइम कर लेता हूँ, मेरा चारों एरिया मिल जाएगा पूरे का। अच्छा यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं डॉटेड दिखाऊँ तो ये आपके पाई बाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर होता, और ये वाला आपका ये थीटा यहाँ पर पाई बाई फोर होता, और यहाँ पर थीटा आपका माइनस का पाई बाई, इधर भी होगा तो मैं माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, चूंकि मेरे को इस वाले रीजन का एरिया भी मैं निकालने जा रहा हूँ, तो लिमिट थीटा की कहाँ जाएगी, माइनस पाई बाई फोर से प्लस का पाई बाई फोर तक। अच्छा इसका जो एरिया होता है, लूप की जो एरिया होती है, वो आपके पास होता है इंटीग्रल अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर बाय टू इंटू डी थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल, ठीक है। ये होता है लूप की एरिया, मेरे को कितना चाहिए, इसका फोर टाइम चाहिए। देखो मेरे को लूप की एरिया का फॉर्म होता है फोर टाइम अल्फा, यहाँ पर कितना है, थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई फोर से प्लस का पाई बाई फोर, और ये आपका रख दीजिए आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इंटू में डी थीटा। आर यहाँ से रख दो, आर की वैल्यू देखो ये फोर टाइम थीटा माइनस का पाई बाई फोर से प्लस का पाई बाई फोर, ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर देखिए वन बाई टू को आप बाहर कर दीजिए, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर कास स्क्वायर टू थीटा इंटू में डी थीटा। देखिए इससे इसको कट कर दो, ये टू ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, टू ए स्क्वायर, और ये माइनस का पाई बाई फोर से प्लस का पाई बाई फोर चल रहा है, और ये है कास स्क्वायर टू थीटा डी थीटा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपकी लिमिट, चूंकि ये इवन फंक्शन दिख रहा है, इवन फंक्शन है तो लिमिट आपका इसको जीरो टू टू ए कर टू टाइम्स कर सकते हो। देखिए टू ए स्क्वायर इंटू में इसको मैं टू, चूंकि अगर हमारे पास ऐसा होता है कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो हम इसको टू टाइम इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर वो क्या दे दे मेरे को, एफ ऑफ एक्स दे दे, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरा केस ये होता है कि जीरो तब देगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर वो मेरे को क्या दे दे, माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स दे दे, उस केस में होता है। यहाँ पर इसको मैं टू टाइम लिख सकता हूँ जीरो से पाई बाई फोर, और मैं कास स्क्वायर को चेंज करूंगा तो यहाँ पर फार्मूला मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, वन प्लस का कास का फोर थीटा बाई टू इंटू में डी थीटा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, देखिए फोर ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से वन बाई टू करोगे तो थीटा बाई टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा साइन का फोर का थीटा और नीचे एट हो जाएगा, लिमिट जीरो से, है कि नहीं। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो देखो ये आपके पास फोर ए स्क्वायर, ये आपका पाई बाई एट, और यहाँ से देखिए फोर से फोर पाई से फोर से फोर कटेगा, साइन पाई आएगा तो साइन पाई बाई एट आ जाएगा, अरे साइन पाई कहाँ जा रहा है, जीरो पर, लोअर लिमिट रखोगे तो ऑलरेडी जीरो पर, यहाँ से आ गया फोर ए स्क्वायर इंटू का पाई बाई एट, इसे इसको कट कर दो, पाई ए स्क्वायर बाई टू, पाई ए स्क्वायर बाई टू, दिस इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, इसका याद भी रख सकते हो, ठीक है। अगर वो कंप्लीट पूछ रहा है तो आपको फोर टाइम मल्टीप्लाई करना है, अगर एक ही रीजन, देखिए आप ये कंप्लीट उसकी आ गया। अब अगर वो मान लीजिए किसी एक पार्ट का पूछता तो जो फोर से मैंने मल्टीप्लाई किया आप डिवाइड कर लेना, तो जो अभी फोर से मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आ रहा है उसको हटा देना, रिजल्ट याद है तो वहाँ मल्टीप्लाई किए, तो एक पार्ट का चाहिए तो फोर से डिवाइड कर लेना, आंसर याद रख सकते हो कि पाई ए स्क्वायर बाई टू। देखिए यहाँ पर है कि द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। देखिए जब हमारे पास एक्स पे स्क्वायर होता है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनता है, ठीक है ना।
तो आपके पास ये कौन सा पैराबोल, जो कि एक्स पे इसलिए वाई पर होगा, तो वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है। ये वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, तो अगर पॉजिटिव की तरफ देखोगे तो ये वाई इक्वल टू 2x लाइन होगी, नेगेटिव की तरफ देखोगे तो वाई इक्वल टू माइनस का 2x। ये आपका ओरिजिन है 0 0। अच्छा ये वाला भी मेरे को पता होना चाहिए, इधर भी पता होना, चूंकि मेरे को दोनों चाहिए, इधर का यही तो बाउंडेड रीजन है, ये भी है ये भी है ये भी है। एक तरफ का निकाल के 2 टाइम कर लेंगे, सही है ना भाई। एक टाइम यहाँ पर पहले तो ये आप लिमिट निकालो, देखो ये वाई वाई दोनों को सेम कर दो, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजिक्वल टू में 2x होगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स माइनस का 2 इजिक्वल टू 0। एक तो आ गया एक्स की वैल्यू 0, दूसरा आ गया एक्स की वैल्यू 2। देखिए 0 0 पर 0, और यहाँ पर 2 और 4 आ जाएगा। यहाँ पर रखोगे माइनस का 2x वाले में, यहाँ पर चूंकि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2, और वाई कितना आएगा 4, आप रख के चेक कर सकते हो, चूंकि एक्स स्क्वायर इजिक्वल टू आप क्या रखोगे माइनस का 2। यहाँ से एक्स कॉमन करोगे तो एक्स प्लस 2 इजिक्वल टू 0 आएगा। एक तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, दूसरा एक्स की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। तो जब एक्स 0 रखोगे तो वाई भी 0 मिलेगा, और जब एक्स -2 रखोगे वहाँ पर तो ये कितना दे देगा, तो वाई की वैल्यू ये 4 दे देगा, तो -2 कॉमा 4, ठीक है। अब एक पार्ट का एक साइड का निकाल के 2 टाइम कर लेंगे, एरिया मिल जाएगी, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया होगी, चूंकि हम एक्स में इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, एक्स में करेंगे तो एक्स की लिमिट कहाँ जा रही है, 0 से 2 जा रही है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को वाई डी एक्स चाहिए होता है, तो यहाँ पर चूंकि इसके बीच का रीजन चाहिए इसलिए मैं ऐसा एरो चलाऊंगा, तो जहाँ पर एरो का यह पोर्सन होगा ये वाला, ये अपर कर्व को बताता है, और ये वाला नीचे वाला लोअर कर्व को बताता है। तो अपर में वाई इज इक्वल टू कौन सा आ रहा है, 2x लाइन आ रही है ना, तो यहाँ पर 2x पहले करूंगा, पैराबोला बाद में आ रहा तो उसको माइनस करूंगा, तो बीच का रीजन मिल जाएगा, उसी का एरिया चाहिए, इनटू में dx कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, चूंकि दोनों तरफ का चाहिए तो 2 टाइम कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, इसको आप इंटीग्रेट कर लो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम चल रहा है, ये आ गया 2 टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया एक्स का क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 2, इससे इसको कट कर देना भाई, ये 2 टाइम ये 4 हो गया, ये माइनस का 8 बाई 3 हो गया, जी लोअर पर 0 ही देना है इसको, ये 2 टाइम यहाँ से करोगे 12 4 4 बाई 3, मतलब 8 बाई 3 आ जाएगा, 8 बाई 3 इज राइट आंसर, ठीक है। अगर वो एक पार्ट का पूछता तो जो 2 से मल्टीप्लाई किए हो, अगर यही क्वेश्चंस में वो ये ना दे करके ऐसा क्वेश्चन दे देता, यहाँ पर वो वाई इक्वल टू 2x लाइन दे देता, वाई इक्वल टू अगर 2x लाइन देता तो इसका आंसर कितना आता तब उस केस में, तब जो आंसर आता जो 2 से मल्टीप्लाई किए वो नहीं आता, आपका आंसर आ जाता 4 बाई 3, मतलब तब